हमारा आज का टॉपिक है अंडर आईज। बेसिकली अंडर आईज या आईज के अराउंड जो एरिया, जो स्किन होती है, वो हमारे बाकी फेस की स्किन और बाकी बॉडी की स्किन से बहुत डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है? बिकॉज ये स्किन जो है ये थ्री टाइम्स पतली होती है, थिन होती है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ आवर फेशियल स्किन। यानी कि हमारे फेस की स्किन से थ्री टाइम्स ये स्किन पतली होती है। क्योंकि ये ज़्यादा पतली होती है तो इसके इश्यूज भी डिफरेंट होते हैं और जल्दी भी होते हैं कंपैरेटिवली बाकी स्किन के नस्बत। ठीक है, अच्छा, इसमें आज के टॉपिक में हमने दोनों चीज़ें कवर करनी है। जी हाँ, हम इसमें जो डार्कनेस है वो भी कवर करेंगे और उसके साथ साथ जो एंटी एजिंग या जो एजिंग से रिलेटेड हमारी आईज के अराउंड स्किन के ऊपर होता है और उसको कैसे करेक्ट करना है, उससे बचना कैसे है, वो सब कुछ हम साथ ही इसमें कवर करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं कि ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं और वो यंग भी होते हैं, उनमें जो टॉप पे एक इशू होता है वो होता है डार्क सर्कल्स का। जी हाँ, डार्क सर्कल्स का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, एज रिलेटेड नहीं है और है भी, और आजकल तो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया हुआ है। द रीज़न बीइंग कि जो लोग, मतलब जैसे हमने 2 साल घर के अंदर गुजारे हैं कोविड में और वो लॉकडाउन्स चलते रहे, फिर हम घरों में रहते रहे, उसमें गैजेट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया। गैजेट्स मतलब आपके टैबलेट्स हैं, आपके मोबाइल फोन्स हैं, आपके लैपटॉप्स हैं, आपके आईपैड्स हैं, ये चीज़ों का इतना ज़्यादा यूज़ हो गया कि जिसकी वजह से, और फिर हमारी रूटीन्स डिस्टर्ब हो गई, हमारे पास, हमें काम पे नहीं जाना होता था सुबह, या बच्चों ने स्कूल कॉलेज नहीं जाना होता था, स्टूडेंट्स बेचारे जो हैं वो घर के अंदर जो थे वो रह रहे थे और घर से ही पढ़ रहे थे, तो रात को या अपने लेजर टाइम, अपने फ्री टाइम में भी वो गैजेट्स यूज़ कर रहे थे, और सुबह के टाइम जो अपनी क्लासेस ले रहे थे वो भी उन्होंने ऑनलाइन लेनी थी, तो इसका मतलब है गैजेट्स के बगैर तो पॉसिबल नहीं है, तो वो भी गैजेट्स के थ्रू ही हो रहा था। अब ये जो इशू था, इसकी वजह से देखा गया कि बहुत ज़्यादा जो है वो डार्क सर्कल्स की कंप्लेन आना शुरू हो गई। डार्क सर्कल्स की कंप्लेन जो है वो इसीलिए ज़्यादा आना शुरू हो गई बिकॉज रूटीन ऐसी चेंज हुई कि उस रूटीन में रहते रहते ये सब कुछ होना शुरू हो गया। अब हम आ जाते हैं कि इसके लिए हमने देखना क्या होता है। सबसे पहले तो यही होता है कि जब डार्क सर्कल्स होना शुरू होते हैं तो लोग घर के अंदर खुद से अपनी रूटीन को चेक करते हैं, अपनी लगाने वाली चीज़ें, जो कि एक डेली रूटीन की चीज़ होती है कि आपने मॉइस्चराइज करना है या आप कोई और सिरप लगाते हैं अपने फेस पे या आईज़ के अराउंड आप लगा रहे होते हैं, तो आप सबसे पहले उसको चेंज करते हैं या उसको चेक करते हैं कि आखिर इसमें क्या है या इसका क्या करना है, और इसको चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये चीज़ें भी करते हैं और होम रेमेडीज़ को भी ट्राई करते हैं। अब जब वो होम रेमेडीज़ भी ट्राई कर रहे होते हैं और साथ में कुछ और लगाने वाली अपनी रूटीन को बेहतर कर लेते हैं, उसके बावजूद उनको लगता है कि हमारे डार्क सर्कल्स जो हैं वो बेहतर नहीं हो रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो डॉक्टर्स के पास आते हैं। अब जब आप डॉक्टर के पास आएंगे तो डॉक्टर ने बेसिकली आपकी स्किन का एनालिसिस करना होता है, एनालाइज करना, एग्जामिन करना स्किन को बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स कुछ लोगों में ये होता है कि उनकी जो स्किन है उसकी वो इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली थिन होती है। वैसे तो सभी की थिन होती है, यहाँ से थ्री टाइम्स जो है वो थ्री फोर्स थिनर होती है बाकी फेस की स्किन से, लेकिन कुछ लोगों की फेस की स्किन भी थिन होती है, तो उन केसेस में उन लोगों की जो आईज के अराउंड स्किन होती है वो और ही ज़्यादा पतली होती है। वो इतनी पतली होती है कि उसके अंदर से जो ब्लड वेसल्स हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, और ब्लड वेसल्स का जो अपना कलर है, जैसे वेन्स का जो है वो ब्लू कलर है, ब्लूइश ब्लू आना शुरू हो जाता है, दूर से देख के वो डार्क लगता है और बहुत हेलो सी आईज लगती हैं, और उसके अलावा जो है वो छोटे जो ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज जो हैं वो रेड कलर की होती हैं, उसका भी ह्यू आ रहा होता है। अब जब ये वाले शेड्स आ रहे होते हैं तो दूर से देखने में एक इल्यूजन क्रिएट होता है, और वो इल्यूजन क्रिएट होता है कि बहुत ज़्यादा डार्क आईज है। ठीक है, अच्छा, इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी स्किन को, यानी कि उनके डार्क सर्कल्स को ट्रीट करने का तरीका फ़र्क होता है। ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स को हम क्या कहते हैं, विटामिन के क्रीम्स देते हैं। जो विटामिन के क्रीम्स होते हैं उनमें ये अच्छी बात होती है कि वो जो स्टैग्नेंट ब्लड होता है वेसल्स में उसको मूव कराती है, और उसकी वजह से आपको जो ये जो शेड आ रहा होता है, एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा होता है, वो बेहतर लगना शुरू हो जाता है। फिर एक और इस तरह से आईज़ होती हैं, एनालिसिस पे हम ये देखते हैं कि पेशेंट की आईज़ कैसी हैं, तो हमें पता चलता है कि पेशेंट की आईज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेलो हैं, यानी कि अंदर को धंसी हुई आँख है।
जब वो अंदर को धसी हुई आंख होती है तो उससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर नज़र आ रहा है। ऐसे लोगों में फिलर को यूज़ करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जब हम फिलर यूज़ करते हैं और उस हेलो को फिल कर देते हैं, फिलर नीचे भी लगता है और समटाइम्स हमने यहाँ पे भी लगाना होता है ताकि आई जो है वो ज़्यादा ओपन और ज़्यादा खुली लगे और वो अंदर को धसी भी ना लगे। जब वो धसी भी नहीं लगती है तो वो आपको डार्क नहीं लग रही होती है। अब हम आ जाते हैं कि कुछ लोगों में डार्क सर्कल्स जो हैं वो कैसे होते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्राउन कलर की डिसकलरेशन या पिगमेंटेशन ही होती है, यानी कि प्रॉपर ब्राउन कलर की पिगमेंटेशन ही होती है। ऐसे लोगों में हम डिफरेंट तरह के सीरम्स यूज़ करवाते हैं, डिफरेंट तरह की क्रीम्स यूज़ करवाते हैं। बेसिक जो चीज़ जिसको हम स्टार्ट करवाते हैं उसके अंदर आ जाता है वाइटमिन सी, उसके बाद ग्लूटाथायोन भी यहाँ पर सेफ होता है, वो भी हम अराउंड आइज जो है वो यूज़ करवाते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गया हमारे पास कि अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो आपने क्या करना है। अब मैं आपको कुछ डार्क सर्कल्स के हवाले से होम रेमेडीज बता रही हूँ। होम रेमेडीज में सबसे टॉप के ऊपर जो आती है दैट इज़ कॉफ़ी। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने ये करना है कि आपने कॉफ़ी ले लिया, कॉफ़ी का जो पाउडर होता है घरों में अवेलेबल होता है, आम हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें आपने बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स, यानी कि हमें थिक पेस्ट बनानी है, हमें पानी की तरह उसकी रनी कंसिस्टेंसी नहीं करनी है। तो आपने उसकी थिक पेस्ट बनानी है, आप इतना पाउडर लेंगे उसी के हिसाब से आपने देख के उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं ताकि वो मिक्स भी हो जाए और एक पेस्ट बन जाए। उसको आपने आराम से यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। उसको आप यहाँ पे भी लगाएंगे, इधर भी, और आईज के ऊपर भी लगा लेंगे। ये आप ऑल अराउंड दी आई जो है वो उसको लगा लेंगे और उसको जो है वो एटलीस्ट 15-20 मिनट्स के लिए छोड़ दें। उसके बाद आपने गरम, हल्का नीम गरम पानी लेके कॉटन को उसके अंदर डिप करके उसके थ्रू इसको उतारना है। रगड़ रगड़ के आपने बिल्कुल नहीं उतारना, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी आईज की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई और आपको डैमेज्ड फील होगी। उसके बाद एक और बहुत अच्छी चीज़ जो है वो है खीरे का जूस। खीरे का जूस जो होता है उसके अंदर कोई इरिटेशन कॉज करने वाली चीज़ नहीं होती है, प्लस उसके अंदर वाइटमिन ई बहुत ज़्यादा होता है और ये हेल्प करता है आपकी ये जो डार्क सर्कल्स हैं इनको कम करने में और आपकी आईज को फ्रेशन अप करने में। तो आपने कुछ नहीं करना, आप खीरे को अच्छी तरह पानी से धो लें, पानी से वॉश करने के बाद फिर उसको ड्राई कर लें, ड्राई करने के बाद उसको कद्दूकश कर लें और ग्रेट करने के बाद उसका जो है वो आप पानी छान लें। अब आपके पास जो है एक फ्रेश और प्योर क्यूकम्बर का जो है वो वाटर या जूस जो भी आप कहना चाहते हैं वो आ गया। अब आपने इसको क्या करना है कि आपने कॉटन को इसमें डिप करना है और उसके बाद आप यहाँ पे लगा लीजिए, अच्छी तरह लगा लें और उसको लगा रहने दें एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स, आधे घंटे के लिए लगे रहने दें। और फिर हल्के नीम गर्म पानी में आपने कॉटन को डिप करके उसी तरह इसको उतार देना है। ऐसे ऐसे करके आपने ना कोई चीज़ लगानी है और ना ही आपने उतारनी है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा ग्रीन टी, क्योंकि बहुत अच्छा और बहुत पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है, ग्रीन टी भी बहुत अच्छी रहती है इसके लिए। बहुत सिंपल है, जैसे आप पानी गर्म करते हैं उसके अंदर ग्रीन टी डाल देते हैं, फ्रेश ग्रीन टी बनाएं और फिर उसको थोड़ा सा निकाल लें और उसको ठंडा कर लें और फिर उसके अंदर कॉटन जो है वो डिप करके और उस कॉटन से जो है वो आपने इसको लगा देना है ऑल अराउंड योर आई और इसको लगा रहने दें और तकरीबन जो है वो आधे घंटे के लिए लगा रहने दें और फिर इसको हल्के नीम गर्म पानी से आप उतार देंगे, ठीक है। अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि मूवमेंट क्या होनी चाहिए जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़ लगाएंगे। जो भी चीज़ आपने लगानी है उसको आपने इस तरह से लगाना है, आउटवर्ड एंड राउंड, ठीक है। आउटवर्ड एंड राउंड आप इसको लगाएंगे, आंख के अंदर जाने के लिए तो जाहिर है कोई भी चीज़ सेफ नहीं है, तो आपने इस तरह से आउटवर्ड एंड राउंड, और ये छोटी उंगली में सबसे कम प्रेशर होता है तो इट्स बेटर कि आप इसको ही यूज़ करें, ठीक है। जब आपने कोई एप्लीकेशन लगानी है उसके लिए भी आप इसी को यूज़ करेंगे, और अगर जिस तरह मैं आपको बता रही कोई होम रेमेडी करनी है और आप लगाना चाहते हैं या कोई चीज़ उतारना चाहते हैं आंखों के ऊपर से, तब भी आपने यही तरीका रखना है कि छोटी उंगली के ऊपर जो भी लिया वो लिया और उसके बाद उसको आउटवर्ड एंड राउंड किया। ऐसे ऐसे भी आप लगा सकते हैं, जैसे कोई सीरम लगाना है वो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास चीज़ें क्या क्या हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो वाइटमिन सी जो है वो इसके लिए बहुत अच्छी रहती है, तो वाइटमिन सी जो है, ये वाइटमिन सी का सीरम मैं आपको दिखा रही हूँ। दिस सीरम इज़ वेरी नाइस बिकॉज ये जो है ये ऑयल बेस्ड है और ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उनकी स्किन यहाँ से ड्राई भी हो जाती है अराउंड आइज,
तो ये दोनों चीज़ें कॉम्बैट करेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दो कंसिस्टेंसी के अंदर विटामिन सी दिखा रही हूँ, ठीक है। ये 5% है और ये जो है ये 15% है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम 5 से यानी कि लो पोटेंसी से शुरू करें और हाई पोटेंसी पे जाएं, और ऐसे भी कर सकते हैं कि हाई पोटेंसी पे जाएं, स्टार्ट करें और लो पोटेंसी से उसको मेंटेन करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मैं आपको विटामिन के की क्रीम दिखा रही हूँ। ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा पतली होती है और उसके अंदर से वेसल्स नज़र आ रहे होते हैं, और उन वेसल्स का ह्यू जो है वो एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा होता है पिगमेंटेशन का, उन सब लोगों के लिए विटामिन के बहुत अच्छी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है जिन लोगों की स्किन पतली होती है अराउंड आईज, उसके अंदर एक और प्रॉब्लम ये होती है कि इतनी पतली है उसका करें क्या, तो उसके लिए ये कॉलेजन का सीरम है। कॉलेजन इलास्टिन जो है वो हमारी स्किन का सीमेंट है, ठीक है। स्किन की जो मेन आप समझ लें जो मेन फैक्टर्स हैं जो कि स्किन बनाते हैं वो यही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसको लगाना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और वो बहुत अच्छा रहता है कि आप इसको यूज़ कराएं उन लोगों को जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा थिन होती है अराउंड आइज, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ दो ग्लूटाथायोन की क्रीम्स। वो मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि जिन लोगों की प्रॉपर ब्राउन कलर की डिसकलरेशन या पिगमेंटेशन होती है उनको आप ग्लूटाथायोन दे सकते हैं लगाने के लिए अराउंड आइज, ठीक है। तो ये दोनों सेफ हैं, ये ग्लूटामैक्स के नाम से है या एक्टिवाइट के नाम से, इन दोनों का मेन इंग्रेडिएंट जो है वो ग्लूटाथायोन है। ये आप अराउंड आइज यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी क्या कहते हैं हार्मफुल इफेक्ट अराउंड योर आइज, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सब कुछ कर लिया, ठीक है, सब कुछ क्या कर लिया, समटाइम्स तो ये होता है कि पेशेंट एनीमिक होता है, उसकी वजह से उसकी डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसके कुछ रिक्वायर्ड ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, जिसमें टॉप के ऊपर आता है हीमोग्लोबिन, नंबर 1 पे आ जाएगा हीमोग्लोबिन, नंबर 2 पे आ जाएगा विटामिन बी के लेवल्स, और फिर नंबर 3 पे आ जाता है विटामिन डी के लेवल्स। ये मैंने उन 3 टेस्ट के नाम लिए हैं और मैंने ऑर्डर वाइज ही लिए हैं जो कि हीलिंग कराने में हेल्पफुल होते हैं। वो आ जाते हैं जी विटामिन बी, उसके बाद जो कि बहुत एसेंशियल्स में आता है दैट इज़ हीमोग्लोबिन, और नंबर 3 पे आता है विटामिन डी। विटामिन डी जैसे आपको पता है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छा करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी या रेजिस्टेंस उसका बेहतर होगा तो डेफिनेटली हमारे जो डार्क सर्कल्स हैं वो बेहतर रह सकेगी या स्किन जो है वो बेहतर काम कर सकेगी, ठीक है। तो ये हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो फिर जिनको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है, तो साथ में हम खाने के लिए टेस्ट करवा लिए और टेस्ट कराने के बाद फिर हम खाने के लिए जिस मेडिसिन की या जिस सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है वो भी देते हैं, ठीक है। अब हमने ये भी कर लिया, जो हमें खाने की ज़रूरत थी या जो टेस्ट कराने थे वो भी करा लिए, जो हमने लगाने के लिए देना था एप्लीकेशंस वो भी दे दिए। अब नहीं ठीक हो रहा, अगर ठीक नहीं हो रहा तो फिर हम क्या करते हैं, जो सबसे बेस लाइन आप समझ लें या सबसे इनिशियल चीज़ हम करते हैं दैट इज़ सीरम इन्फ्यूशंस, ठीक है। जब आप कोई चीज़ लगाते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन एक हद तक हो सकती है, 100% एब्जॉर्प्शन उसकी नहीं हो पाती है, लेकिन जब हम इन्फ्यूजन्स देते हैं मेडिसिन की तो उससे ये होता है कि जो आपकी एब्जॉर्प्शन होती है वो क्या कहते हैं मेनी फोल्ड्स जो है वो बढ़ जाती है, और जब वो इतनी अच्छी होती है तो फिर आपको रिजल्ट भी ज़्यादा मिलता है। प्लस जिन लोगों की आईज जो हैं वो प्रॉपर पिगमेंटेड ब्राउन कलर की डिस्कलरेशन होती है, उनमें हम ये भी चाहते हैं कि जो डेड लेयर ऑफ स्किन है वो उतरे, वो हट जाए। जिस वक्त वो उतरती है तो एप्लीकेशंस की एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होती है और ये मेथड इट्सेल्फ भी आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि और हम क्या करते हैं, इसके अंदर आ जाता है कार्बोक्सी थेरेपी। कार्बोक्सी थेरेपी में ऑक्सीजन जो है वो इन्फ्यूज़ की जाती है आइस के अराउंड। जब वो इन्फ्यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छा और फ्रेश लुक और फ्रेश आपकी स्किन को जो है वो एक क्या कहते हैं लुक मिलेगा, और वो इसीलिए आता है कि आपको फ्रेश ऑक्सीजन दी जा रही होती है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा मेथड रहता है ऐसे लोगों के लिए जिनकी ऑल अराउंड दी आईज जो है वो ब्राउन कलर की डिसकलरेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कि हम क्योंकि साथ साथ एजिंग की बात भी कर रहे हैं, एजिंग अराउंड दी स्किन, ठीक है, स्किन के अराउंड आईज के अराउंड जो स्किन है उसकी एजिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्योंकि ये स्किन थिन होती है तो इसके ऊपर फाइन लाइंस भी जल्दी पड़ती हैं, ये ड्राई आउट भी ज़्यादा होती है, सेंसिटिव भी ज़्यादा होती है, और उसके साथ साथ ठीक है
ये जो है ऑब्वियसली इसके अंदर जो है वो रिंकल्स पड़ने का चांस भी होता है। फाइन लाइंस तो वो होती हैं जो कि बिल्कुल आपने क्रिंकल शिफॉन के कपड़े की तरह जो आपको नज़र आ जाए वो, और जो रिंकल्स होते हैं वो आपको एक्सप्रेशन के साथ पड़ रहे होते हैं कि आप हंस रहे हैं खा रहे हैं तो साथ में जो है वो आपको रिंकल पड़ रहा है। इन सब चीज़ों से अगर हम बचना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि टाइमली आप एंटी एजिंग आई क्रीम्स जो है वो लगाना शुरू करते हैं। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ एक ये एज करेक्टर आई सीरम। ये जो सीरम है ये चार चीज़ों के लिए काम करता है, ठीक है। इसके अंदर फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं और पफी आइज, ठीक है। ये इन चार चीज़ों के लिए काम करता है और ब्रिलियंट है। किसी भी स्किन टाइप वाले को आप ये दे सकते हैं, बहुत ही एक्सेलेंट प्रोडक्ट है, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स देता है और मेंटेनेंस के लिए भी आप इसको यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि स्किन जो है वो पतली भी होती है और एज और टाइम के साथ जो है वो ढलकना शुरू हो जाती है, तो हम टाइटनिंग चाहते हैं। अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ क्रीम, ये जो है ये बेसिकली टाइटनिंग करती है। ये आइज के अराउंड आप लगाना शुरू करेंगे तो ये टाइटनिंग करना शुरू करती है या आपकी स्किन को मेंटेन कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, स्किन ढलकेगी नहीं आपके यहाँ से, ठीक है। तो ये बेसिकली टाइटनिंग के लिए यूज होती है। फिर हम आ जाते हैं कि जो क्रिंकल शिफॉन की तरह हम देख रहे हैं कि जी रिंकल्स या फिर फाइन लाइंस बहुत सारी हो रही होती हैं एज के साथ टाइम के साथ, तो फिर ये फिलर वाली क्रीम मैं आपको दिखा रही हूँ। ये फिलर वाली क्रीम जो है ये बहुत ज़बरदस्त रहती है और ये हम यूज़ करवा सकते हैं एज ए मेंटेनेंस भी और एज ए ट्रीटमेंट भी। लेकिन याद रखें कि जिस वक्त आपको रिंकल्स पड़ चुके हैं और फिर आप डॉक्टर के पास आएंगे तो फिर चीज़ें लगा के हम उसको डिले नहीं कर सकते या चीज़ें लगा के उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, फिर उसकी करेक्शन जो है वो डेफिनेटली किसी ना किसी प्रोसीजर के थ्रू ही करनी पड़ती है। अब हम आ जाते हैं कि प्रोसीजर्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं इस जगह के ऊपर। सबसे बड़ी चीज़ तो ये हो रही होती है कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि पफ़ी आइज बहुत रहना शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर मोटे मोटे जो है वो पफ्स बने हुए होते हैं आई के नीचे और वो रहते हैं हर वक्त। ये एज रिलेटेड होते हैं और इसको ख़त्म करने के लिए डी पफ करने के लिए इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिलर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ब्राइटनिंग इंजेक्शंस, मैं बात कर रही हूँ डी पफिंग इंजेक्शंस की, ठीक है। ये इंजेक्शन जब हम लगाते हैं तो जो पफी एरियाज होते हैं वो डी पफ हो जाते हैं। जब आप उसको डी पफ करते हैं तो आप देखेंगे कि पूरे का पूरा लुक ही चेंज हो जाएगा और वो जो पफी आइज हमें बुरी लग रही होती हैं वो कवर हो जाएंगी, ठीक है। और ये एक ही दफ़ा आपने इसके सेशंस लेके ख़त्म कराना होता है और ये दोबारा नहीं होती और इसकी आपको मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती। फिर हम आ जाते हैं कि और क्या चीज़ होती है, देन इट्स मीज़ोथेरेपी। मीज़ोथेरेपी जो है वो इस तरह से अच्छी रहती है कि आप हाइलुरोनिक एसिड जो है वो इंजेक्ट कर सकते हैं आइज़ के अराउंड यहाँ तक। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो बहुत बारीक वाली फाइन लाइन्स होती हैं क्रिंकल शिफॉन के कपड़े की तरह वो जो है वो कवर हो जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं थ्रेड्स। समटाइम्स हम यहाँ पे थ्रेड्स भी यूज़ करते हैं, वो जो आपकी लैक्स या लूज स्किन होती है या उसके अलावा फाइन लाइन्स होती हैं उनको ख़त्म करते हैं, क्योंकि जब हम थ्रेड्स लगाते हैं तो नेचुरली कॉलेजन इलास्टिन बूस्ट होती है उस एरिया में और उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं जी और क्या चीज़ हम करते हैं, ऑब्वियसली फिलर्स, तो आप सब ने उसका नाम सुना होगा। और फिलर्स हम यूज़ करते हैं किस लिए, कि हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पे डेप्थ है, आंखें अंदर को धंस गई हैं, उसको हम कवर कर लें। और उसके साथ साथ समटाइम्स ये होता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई पार्च्ड स्किन होती है कुछ लोगों की यहाँ से और पतली भी बहुत होती है, तो उसमें फिलर्स जो हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है जी। तो ये थी हमारी कुछ चीज़ें जिसमें मैंने आपको होम रेमेडीज भी बताई हैं और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया है कि पहले हम आपका एनालिसिस करके जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम आपको एप्लीकेशन से ही स्टार्ट कराएंगे। लेकिन अगर एप्लीकेशन यूज़ करने के बावजूद या सप्लीमेंट्स यूज़ करने के बावजूद जो है वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर ऑब्वियसली हम क्लिनिकल बेस्ड प्रोसीजर्स जो हैं उनकी तरफ जा सकते हैं जी। अब आपके क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करते हैं। मून स्काई कह रहे हैं डार्क सर्कल्स हैं, एनीमिया भी है, कोई टिप्स बताते हैं डार्क सर्कल्स लाइट हो जाएं। अच्छा मून स्काई, मैंने भी यही आपको बताया है अभी आज के सेशन में कि अगर एनीमिया होगा तो डार्क सर्कल्स कैसे जाएंगे, तो आपने अपनी सप्लीमेंटेशन जो है वो ज़रूर लेनी है ताकि आपका आयरन, आपका हीमोग्लोबिन जो है वो पूरा हो सके। और उसके साथ साथ लगाने के लिए देखें, मैंने दो क्रीम्स दिखाई हैं ग्लूटाथायोन की और उसके साथ मैंने आपको विटामिन सी भी दिखाया, ठीक है। आप ये दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बट याद रखें कि अगर आप एनीमिक हैं तो आप कैसे ठीक होंगे, उसके लिए सप्लीमेंटेशन लेना
और अपना एनीमिया जो है उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। मून स्काई कह रहे हैं ड्राई शैम्पू का नाम बता दें आपने यूज़ किया हो और अच्छा हो। अच्छा आप थोड़ा सा वेट करें, मैं दिखाती हूँ। एक्सक्यूज़ मी, इसमें से ज़रा ड्राई शैम्पू निकाल दें। मैं आपको ड्राई शैम्पू दिखा रही हूँ, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ड्राई शैम्पूज जो हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। और ये आपको ईजीली अवेलेबल हैं, जैसे मैं आपको ये वाला दिखा रही हूँ, ये देखें, ये जो है वो बिटीस्ट का है, ठीक है। ये वाला देखें, ये बिटीस्ट का है, और ये वाला ड्राई शैम्पू जो है ये अच्छी क्वालिटी का ड्राई शैम्पू है, और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके बालों को एक फ्रेश फ्रेग्रेंस भी देगा और जो लुक है वो भी बिल्कुल फ्रेश कर देगा, ठीक है। ये आपको ऑनलाइन लेना पड़ेगा, ये ज़्यादातर जो है वो आपको इस तरह से अवेलेबल नहीं होगा कि आप उधर चले गए हैं और ये अवेलेबल हो, ये नहीं होगा, ठीक है। आप फार्मेसी पे चले गए तो अवेलेबल हो, कम अवेलेबल होते हैं, ज़्यादातर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, ठीक है। मून स्काई कह रहे हैं आपकी टिप्स बहुत अच्छी होती हैं एंड आप डिटेल में आंसर करती हैं, थैंक यू सो मच, और माई प्लेजर। मून स्काई कह रहे हैं फेस पर सोप यूज़ कर सकते हैं, क्यों नहीं यूज़ कर सकते। सोप और जो फेस वॉशेज होते हैं उनका मैं डिफरेंस बता दूँ। जो सोप होते हैं उनका लादर बनाने के लिए उनको ज़्यादा रब करना पड़ता है और उनका पीएच जो है वो मोस्टली बैलेंस नहीं होता। और जो आपके होते हैं फेस वॉशेस होते हैं यूजुअली उनका पीएच बैलेंस्ड होता है और वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में या फिर जो है वो फोमी कंसिस्टेंसी में होते हैं, जिसकी वजह से आपको रबिंग एक्शन नहीं करना पड़ता स्किन पे। मून स्काई कह रहे हैं आपने कहा था कि सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें, नेम बता दें जो मार्केट में अवेलेबल हो। मून स्काई मैंने बहुत दफ़ा बताया हुआ है आपको, लॉरियल के सल्फेट फ्री शैम्पूज़ इजीली अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको किसके अवेलेबल हैं जो कि इजीली अवेलेबल हैं, वो आ जाते हैं ट्रेसेमे के, ठीक है। दोनों के, दोनों कंपनीज के अवेलेबल हैं, आप किसी का भी ले सकते हैं। मून स्काई कह रहे हैं आपके क्लिनिक में लिप बाम हैं, कौन सी हैं, विंटर में बहुत ड्राई हो जाते हैं जी। लिप बाम्स अवेलेबल हैं क्लिनिक में, आप क्लिनिक के नंबर्स जो डिस्प्ले हो रहे हैं उस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं और मंगवा भी सकते हैं। शाजिया हामिद कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर फैन फ्रॉम 15 इयर्स, प्लीज़ सजेस्ट ग्लोइंग एंड फेयरनेस क्रीम फॉर टीनएजर्स। वाओ शाजिया, आप मुझे लास्ट 15 इयर्स से जो है वो फॉलो कर रही हैं, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जो टीनएजर्स हैं उनके लिए इस किस्म की दो, जैसे मैंने क्रीम्स दिखाई हैं ग्लूटाथायोन उनकी, ये दोनों बहुत अच्छी हैं, ठीक है। वो ये ले सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ये सुबह भी लगाई जा सकती हैं और रात में सोने से पहले भी लगाई जा सकती है, क्योंकि उनका बाहर जाना ज़्यादा होता है, उन्हें कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी ज़रूर जाना होता है, रोज़ जाना होता है, तो इट्स नेसेसरी टू यूज़ सन ब्लॉक। अगर वो डे में सन प्रोटेक्शन नहीं रखेंगे तो कोई भी जितनी भी अच्छी क्रीम लगा लें फिर स्किन जो है वो फ्रेश नहीं रहेगी, ठीक है, तो सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। मून स्काई कह रहे हैं फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन के बाद सेकेंड डोज 1 month से कितना डिले और कर सकते हैं। इट्स बेटर कि आप उसको डिले ना करें और 23 to 28 डेज का स्पैन होता है उसमें आप लगवा लें, लेकिन अगर लेट भी हो गए हैं तो प्लीज़ जितनी जल्दी जा सकते हैं जाएं और अपनी वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज लगवा लें, ठीक है। हसनैन मुगल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ हसनैन। मैम मुझे आजकल बहुत एक्नी हो रही है, इज़ोमैक्स टैबलेट ले सकती हूँ 5 दिनों के लिए। जी आप ले सकती हैं, लेकिन याद रखें कि ये जो होता है ना जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये आप हर वक्त नहीं ले सकते, और अपने माइंड में रखें अगर आप 5 to 7 days लेना चाहती हैं तो ले लें, उसके बाद ना लें। और अगर आपकी एक्नी सेटल नहीं हो रही है या सेटल्ड नहीं रह रही है तो फिर आपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, ठीक है। उसके बाद हफ्सा, ठीक है, उसके बाद हफ्सा उबैद कैसा, उबैद कह रही हैं एक दिन सनब्लॉक ना लगाने के साइड इफ़ेक्ट को एक नाइट क्रीम जो सन टैन रिमूव करती हो कैंसिल आउट कर सकते हैं, जो हम रोज़ रात को लगाते हैं, जो भी हम यूज़ कर रहे हो रात को। जी आप कर सकते हैं, देखिए ये डिपेंड करता है कि डैमेज कैसा था। पता चले कि आप जो हैं वो हाइट के ऊपर माउंटेन्स पर गए हुए थे और सड़ गई है स्किन, फिर तो एक रात में ठीक नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप बीच पे गए हुए थे और वो बर्न हो गई है तो तब भी एक रात में ठीक नहीं होगी, राइट। वजीह इरफान कह रही है मैम कोई बॉडी वॉश एंड बॉडी मॉइस्चराइजर बता दें। वजीह इरफान कह रही है मैम कोई बॉडी वॉश एंड बॉडी मॉइस्चराइजर बता दें। अच्छा वजीह, जो हमारे पास होते हैं यूजुअली फिर वो बहुत एक्सपेंसिव या थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं कंपैरेटिवली,
तो आप कोशिश करें कि जिनका पीएच बैलेंस हो, जो मॉइस्चराइजिंग हो, वो सर्दियों में अच्छे रहेंगे, वो आप यूज़ कर लें जो आप खुद से खरीदना चाहती हैं। अगर आप क्लिनिक से लेना चाहती हैं तो फिर आप क्लिनिक के नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं उस पर कॉल कर लें, कॉल करके उनसे आप डिटेल्स ले लें, और अगर मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा भी सकते हैं। हफ्सा उबैद के लिए अस्सलाम वालेकुम, यू आर द बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट बिकॉज आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमें गाइड करती हैं, हमारी स्किन की केयर करती हैं, कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच हफ्सा, मैं डेफिनेटली आप लोगों से ही मिलने के लिए आती हूँ और आप लोगों के लिए ही आती हूँ। हफ्सा उबैद के लिए हैं, क्या फेस को डबल क्लिनस करने के लिए हम फेस को एट अ टाइम टू बार फेस वॉश से धो सकते हैं? डबल क्लिनजिंग करने का तरीका ये नहीं है कि आप दो दफ़ा फेस वॉश से वॉश करेंगी तो वो डबल क्लिनजिंग होती है। डबल क्लिनजिंग का मतलब ये होता है कि दो तरह के क्लिनजर्स को यूज़ करके क्लिनजिंग करना, और क्लिनजिंग हमेशा फेस वॉश करने से पहले ही की जाती है। अच्छा, इसमें डबल क्लिनज करने का तरीका क्या है? आप कोई से भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, मेकअप रिमूवर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं मेकअप रिमूविंग वाइप्स। ठीक है, उससे आप पहले मेकअप को साफ कर लेंगे, उतार लेंगे। एक दफ़ा आपने मेकअप उतार लिया होगा, उसके बाद जो है वो आप क्लिनजर से क्लिनजिंग करेंगे। ठीक है, क्लिनजर्स डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, जेल फॉर्म में होते हैं, बाम फॉर्म में होते हैं, और उसके अलावा लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, पेस्ट की फॉर्म में या क्ले की फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उससे क्लिनजिंग कर लेंगे, और क्लिनजिंग करने के बाद फिर आप फेस वॉश करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज डबल क्लिनजिंग। ठीक है, डबल क्लिनजिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने फेस वॉश को दो दफा फेस पे लगा लिया और डबल क्लिनजिंग होगी, उससे कोई क्लिनजिंग नहीं होती है। ठीक है, हफ्सा उबैद के लिए, क्या अडेप्टो क्रीम अंडर आर्म्स को लाइट करने के लिए यूज कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। जैनब अहमद के लिए, आई ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन राइटली बट नॉट वॉन अ सिंगल टाइम, होपिंग टू सी माई नेम एज लकी विनर समडे। श्योर आप बार बार आंसर भेजें, क्योंकि जो मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था उसकी बैलेटिंग हमने इस वीक में कर देनी है, और फिर मैं जो कमिंग वीक के अंदर सेशन होगा उसके अंदर विनर को अनाउंस कर दूंगी। ठीक है, मैं फिर से एक दफ़ा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। मैंने पूछा था कि जो वाइटनिंग पिल्स होती हैं उसका जो कॉमन मोस्ट कॉमन इन्ग्रीडियंट है उनमें क्या होता है? ठीक है, आपने उस इन्ग्रीडियंट का नाम बताना है। हफ्सा उबैद के लिए, मैक्स टिप फेस वॉश एंड मैक्स टिप क्रीम अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हैं क्या? नहीं जी, मैं ये दोनों चीज़ें रेकमेंड नहीं करती। जैनब अहमद कह रही हैं, आई एडमायर योर डेडिकेशन टू कम लाइव एवरी वीक डिस्पाइट बीइंग बिजी ऑल द वीक, बट मुझे आप लोगों से बात करके और मुलाकात करके अच्छा लगता है। बजिया इरफान कह रही हैं, मैम मेरे 2 C-section हुए हैं, एनेस्थीसिया स्पाइनल था, अब मेरी बैक में पेन रहता है, कुछ बता दें। वैसे वजीहा ये ज़्यादातर कुछ अर्सा रहने के बाद ठीक हो जाता है, बट अगर आपको परसिस्ट कर रहा है तो इट्स बेटर कि आप एक दफ़ा ऑर्थोपेडिक को दिखा दें। ठीक है, हड्डियों वाला जो डॉक्टर होता है उसको एक दफ़ा दिखा दें। बताने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी पोजीशन भी देखनी पड़ेगी कि आप अपनी किस पोजीशन में क्या होता है, और क्योंकि वो जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है उसकी वजह से आपको दर्द रह रही होती है, इट्स बेटर कि आप एक दफ़ा डॉक्टर को दिखा दें। ठीक है, हड्डियों के जो डॉक्टर होते हैं, ऑर्थोपेड्स जो होते हैं उनको दिखा दें, वो आपको हेल्प आउट कर देंगे कि अगर तो आपकी पोजीशन या क्या चीज़ सही रखने से वो सही रह सकता है, या कोई उन्होंने मेडिसिन ऐसी ऐड करनी है तो वो आपको दे देंगे। हफ्सा उबैद के लिए, बालों को सिल्की एंड स्मूथ करने के लिए कोई अफोर्डेबल सीरम बता दें। अच्छा जी, मैं अभी दिखाती हूँ। दोनों ले आएँ, कैराटॉक्स वाला भी ले आएँ और दूसरा बैक ब्रेसर वो भी ले आएँ। अच्छा देखें, जो बालों की चीज़ें होती हैं, जैसे स्किन की चीज़ें होती हैं ना, ये ऊपर से लगानी होती हैं, और अगर इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो फिर रिज़ल्ट भी उतना अच्छा नहीं होता। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना अच्छा ही रिज़ल्ट होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे 2 serums दिखाने लगी हूँ जो कि आप वेट हेयर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है और ये एक्सपेंसिव नहीं है ज़्यादा। ठीक है, अब ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है और ये एक्सपेंसिव थोड़ा ज़्यादा है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लिनिक पे अवेलेबल है, और अगर आपको इनकी डिटेल्स चाहिए हो या और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो क्लिनिक के नंबर्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। हसनैन मुगल कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। हफ्सा उबैद कह रही हैं, एंजॉय योर एवरी सेशन, थैंक यू वेरी मच हफ्सा। हसनैन मुगल कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मैम, बीसी कंपनी की पील और एक्सफोलिएट का प्रोडक्ट इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं? एक टाइम में यूज़ करने के लिए कह रहे हैं जी, एक टाइम में भी यूज़ हो सकता है। एक टाइम में जब यूज़ करना होता है तो उसका तरीका क्या होता है? सबसे पहले जो है वो आप क्लिनजिंग करते हैं, क्लिनजिंग करने के बाद आप फेस वॉश करेंगे, फेस वॉश के बाद आप एक्सफोलिएट करेंगे, और एक्सफोलिएट करने के बाद फिर आप पील यूज़ करेंगे।
पील को हटाने के बाद जो है वो आप यूज़ करेंगे अपना मास्क, और मास्क को उतारने के बाद फिर जो है वो आप टोनर यूज़ करते हैं, और उसके बाद कोई सीरम, मॉइस्चराइज़र, कोई भी क्रीम जो है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। रज़ा अली कह रहे हैं बायोटिन और ग्लूटाडोज इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। रज़ा अली कह रहे हैं मेरे हस्बैंड के हेयर फ्रंट से कम हो गए हैं, क्या यूज़ करें? अच्छा, सबसे पहले तो ज़्यादा अच्छा तो यही है कि आप माइनॉक्सिडिल की स्प्रे जो है 2.5% उससे स्टार्ट कर लें, उसको लगाना शुरू करें, उसको एटलीस्ट 3 मंथ्स लगाएं और फिर उसका रिजल्ट देखें, ठीक है। अनीला राजा कह रही है AHA 1% पील यूज़ करने के बाद स्किन पील होती है क्या, और इसको यूज़ करने के बाद हम टोनर और नाइट क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं? जी आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, मुझे नहीं पता आप कौन सा AHA 8% यूज़ कर रही हैं, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं और इनको यूज़ करने का तरीका भी फ़र्क होता है, ठीक है। तो बी वेयर ऑफ इट कि ये नहीं होता कि हर जो AHA 8% है उसके लगाने का एक ही तरीका होगा और वो क्या करता है वो भी सेम नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद अनीला राजा कह रही हैं अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहिबा, आपने मुझे ग्लूटावेट कैप्सूल दिए थे, ये कितने मंथ तक यूज़ करने हैं और इनका रिज़ल्ट कब तक मिलेगा? आपकी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होगा, आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन पढ़ें उसके ऊपर, और या फिर मैंने जहाँ ये टैबलेट्स लिखी हुई हैं उसके आगे लिखा होगा कि आपने इसको कैसे खाना है और कितनी देर यूज़ करना है, उसको पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग लीजिए, ठीक है। मुंस्काई कह रहे हैं विनर का अनाउंस आज नहीं करना क्या? नहीं जी, विनर का अनाउंस आज नहीं करना, मैं नेक्स्ट वाले सेशन में करूँगी। हसनैन मोहन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मैम, बीसी कंपनी की पील को यूज़ और कितनी देर यूज़ कर सकते हैं? कैसे और कितनी देर यूज़ कर सकते हैं? आप हमेशा यूज़ करते रह सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, और यूजली जो है वो पील को आप 10 to 15 days में एक दफ़ा यूज़ करें, 15 days मतलब जल्दी जल्दी यूज़ ना करें, 15 days में एक दफ़ा यूज़ करें तो वो अच्छा रहता है और आप यूज़ करते रह सकते हैं लंबे अरसे के लिए, कोई हर्ज नहीं है। हसनैन मोहन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मैम आई लैश की ग्रोथ के लिए कोई टिप बता दें? यार उसकी कोई टिप नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ ट्राई करना है तो फिर जो है वो आप कैस्टर ऑयल जो होता है वो लगा सकते हैं, ठीक है। इट्स अ बिट मेसी, ट्राई करना है तो आप कर लें, ठीक है, घर से तो यही मैं आपको बताऊँगी, उसके अलावा नहीं। अच्छा, उसके बाद ट्रैवलिंग इन विलेज ब्लॉक्स कह रही मैम डर्मो फ्यूचर ब्राइटनिंग सीरम में अल्फा एल्बुटिन है, अगर है तो कितने परसेंट है? ब्राइटनिंग सीरम डर्मो फ्यूचर का, ब्राइटनिंग सीरम इसका अच्छा है, और इसके अंदर मेरे ख्याल है आप जिसको ब्राइटनिंग सीरम कह रही हैं वो विटामिन ए के साथ है, और उसके अंदर विटामिन ए जो है वो 2% है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सबा खान कह रही है मैम आइज़ के अराउंड और ऊपर बहुत डार्कनेस है। सबा, हमने पूरे का पूरा सेशन इस पर किया है, आप इसको दोबारा देखें और जो भी चीज़ आपको समझ आ रही है, क्योंकि उसमें मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, तो जो आपके लिए अप्रोप्रिएट चीज़ होगी आप उसको पिक एंड चूज कर सकती हैं। वजीहा इरफान कह रही मैम डार्क नेक को ठीक करने के लिए कुछ बता दें। वजीहा, मैंने जो सेशन किया था जो कि डार्क अंडर आर्म्स और अंडर लेग्स के लिए था, उसके लिए जो जो चीज़ें मैंने दिखाई थी वो सब आप अपनी बैक ऑफ नेक के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप उसको दोबारा से देख लें और उसके उसमें से जो है वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हसनैन मोहन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मैम मेरा 1 साल का बेटा बहुत वीक है, अगर पेडिक्योर मिल्क में मिक्स, मिल्क में, अच्छा पीडियाश्योर मिल्क में मिक्स करके दे सकते हैं, क्या ये यूज़फुल है? और उसे बच्चों के लिए पेरेंट्स, ऐसे बच्चों के लिए पेरेंट्स क्या करें, इस बारे में हम पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, देखिए सारे बच्चे जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हर बच्चा जो है वो कोई स्टैंडर्ड तरीका है और उसमें बच्चे ने खाना है और इतना खाना है और सारे बच्चे एक जैसे होंगे, एक जैसे उनकी बॉडी होगी और एक जैसे उनकी हाइट बढ़ेगी, एक जैसा उनका वेट बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मदर्स जो होती हैं ना वो कुछ ज़्यादा परेशान इसलिए हो जाती हैं कि उनको लगता है कि उनका बच्चा कुछ नहीं खाता, दूसरे का बच्चा जो है वो इतना बड़ा हो रहा है, मोटू हो रहा है और प्यारा हो रहा है, और ये मेरा बच्चा जो है ये उस इतना बड़ा क्यों नहीं हो रहा, उस इतना मोटा क्यों नहीं हो रहा, उतना हेल्दी क्यों नहीं हो रहा। देखिए हर बॉडी फर्क होती है, समटाइम्स ऐसी बॉडीज़ होती हैं कि उनका मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है कि वो मोटी हो के ही नहीं देती, मतलब वो बच्चा आप उसको सुबह से लेके रात तक भी खिला लें उसने मोटा या चर्बी नहीं होना, तो उसने नहीं होना, ठीक है।
मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि पीडियाश्योर दे तो सकते हैं, लेकिन जब आप पीडियाश्योर देंगी तो आप देखेंगी कि वो इतना हैवी होता है कि वो बच्चा बिल्कुल ही कुछ और कुछ नहीं खाएगा, सारा दिन कुछ नहीं खाएगा। तो आप ऐसा करें कि आप नेचुरल चीज़ों के ऊपर रखें उसे, नेचुरल चीज़ों में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई कराएं, उसके पीछे ना भागें, वो चीज़ें डिफरेंट शक्ल की डिफरेंट तरह की बना के आप रख दिया करें। और जब उसको भूख लगेगी यार कुछ तो खाएगा ना, ये तो नहीं हो सकता ना कि वो पाँच पाँच दिन चार चार दिन भूखा रहेगा, डेफिनेटली बच्चा खा लेगा। बस आप परेशान होकर उसके पीछे पीछे ना फिरें, आप कोशिश करें कि डिफरेंट कलरफुल सी डिशेज या चीज़ें बना के और रख दिया करें और उसको कहें नहीं कि इसको खाए, ठीक है। उसको गिराने दें या उसको देखने दें, उसे टच करने दें, उसे ट्राई करने दें, उसे कोई ना कोई डिफरेंट चीज़ों का टेस्ट पसंद आ जाएगा। और डिफरेंट टेस्ट आपने उसको बना के देना है। अगर आप उसको सेम टेस्ट देने की कोशिश करते जाएंगे बार बार या ब्लैंड ब्लैंड सी चीज़ें देंगे तो बच्चों को नहीं भी पसंद आती, क्योंकि हर बच्चे का टेस्ट फर्क होता है और फिर उसको नहीं अच्छी लगती है तो उसको खाता नहीं है। लेकिन आप कोशिश करें कि आप बच्चे को नेचुरली जितनी भी चीज़ें आप खुद बना के दे सकती हैं, खुद पका के दे सकती हैं, वो मुख्तलिफ कलर्स की और मुख्तलिफ डिफरेंट कलरफुल डिशेस में डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करके रख दिया करें और उसको वो चीज़ ना दें बार बार जो वो खाना चाहता है, ताकि वो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करे और उनको खाए। लेकिन अगर उसका पेट भर जाएगा तो फिर तो वो नहीं खाएगा। और पीडियाश्योर के साथ यही होता है कि वो आप खिलाते हैं पिलाते हैं बच्चे को तो बच्चा पी तो लेता है, लेकिन फिर उसके बाद तो वो बिल्कुल ही कुछ नहीं खाता। मतलब आप सोचें कि पूरे दिन में उसने जो है वो पीडियाश्योर एक दफ़ा पी लिया और उसके बाद कुछ नहीं खाता। तो इसलिए मैं तो उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करती इस वजह से कि बच्चे फिर बिल्कुल ही कुछ नहीं खाते, वो खाते ही नहीं है फिर, क्योंकि उनका पेट उनको लगता है कि भरा हुआ है तो वो बिल्कुल नहीं खाते। तो आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका बच्चा भी खा लेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर वो एक्टिव है और अगर वो मोटा नहीं भी होता, एनर्जेटिक रहता है, खेलता है, बोलता है, सारे के सारे माइलस्टोन्स उसके ठीक हैं, तो फिर इतना परेशान ना हो। वो अपने टाइम पे बड़ा भी होगा, अपने टाइम पे मोटा भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, ये था आज का हमारा सेशन और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक। और नेक्स्ट वीक के सेशन के अंदर जो है वो मैं अनाउंस करूँगी जो कि विनर है। और अपना बहुत ख्याल रखें और खुश रहें और बिल्कुल पॉजिटिव रहें। और मैं फिर से कहूँगी, पहले भी बार बार कहती रही हूँ कि जल्दी से जल्दी जो है वो वैक्सीनेशन करवा लें, अपनी वैक्सीनेशन सब लोग जितनी जल्दी वैक्सीनेशन कराते जाएंगे उतनी जल्दी हमारी लाइफ जो है वो बैक टू नॉर्मल हो सकेगी, ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक।